यहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह होता है कि परमिशन नहीं मिलती है। पहले तो पढ़ाई भी नहीं होती थी बच्चियों की, अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है तो पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं और बाकी काम भी हो रहे हैं। तो आपकी फैमिली ने, हस्बैंड शादीशुदा हैं तो हस्बैंड ने कैसे परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे करें? ये मेरा मियाँ का बहुत एहसान है मुझ पर, बस मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। एक शॉल हम सेल करना चाहें तो सेल कितने में करेंगे आप? सेल अभी हम कर रहे हैं 1500 इसका हो रहे हैं, 2500 का दे रहे हैं। रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है, 1500 और 1000 रुपये आप सिर्फ मेहनत ले लेंगे बस। आपने ये सारे शौक आपने शादी के बाद पूरे किए? शादी के बाद पूरे किए मैंने। मैं स्वेटर भी बुनता हूँ, मैं कपड़े भी, ये मशीनें भी इस तरह भी करती हूँ, मैं मशीनें भी, कपड़े भी सिलवाती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। MYK न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मौजूद हूँ स्कर्दू में। स्कर्दू की बात की जाए तो यहाँ पे बात आती है बिज़नेस की, और बिज़नेस की बात की जाए तो यहाँ पे इतने ज़्यादा मौके हैं फीमेल्स के काम करने की आपकी सोच है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस लैला, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पर काम कर रही हैं, हाथ से कपड़े बनाती हैं और ऊन से बनाती हैं, वूल से बनाती हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने स्कर्दू में रह के कैसे ये काम स्टार्ट कर लिया, माइंड में कैसे है? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कि आपको यहाँ पे ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मैं यहाँ पे काम करते हुए 14 साल हो गया हूँ। मुझे वुमेन डेवलपमेंट वालों ने ट्रेनिंग दिया था, फिर उन्होंने 3 महीने का ट्रेनिंग दिया था, उस दिन से मैंने काम स्टार्ट किया था। फिर एनजीओ वालों के साथ मेरा उनके साथ था, फिर उन लोगों ने इस साल मुझे एनजीओ वालों ने सारा मशीनें चीज़ें मुझे दिया। अभी वो मैं डेवलपमेंट वालों ने ही है, ये GRSP वालों ने दिया है मुझे। उसके साथ मैं अपने यहाँ पे एक स्टेप खोल के, एक सेंटर खोल के लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती हूँ, मैं उनको सिखाती भी हूँ, मैं खुद काम भी करती हूँ, यहाँ से बेचते भी हूँ, लोगों को सिखाते भी हूँ। अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। यहाँ से आपका बनाया हुआ कपड़ा कहाँ कहाँ तक जाता है? अभी यहाँ से ये हुंजा वालों के पास भी जाते हैं, लोग आके यहाँ से ख़रीद के भी ले जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वो भी लेके जाते हैं, यहाँ लोकल भी लेके जाते हैं, सब लेके जाते हैं। जब उन NGO वालों ने आपको सिखाया था तो कितने लोगों ने सीखा था वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग 100 लोग था, हम लोग नफर था, 100 लड़कियाँ था, 100 लड़कियाँ थी। और उनमें से कितने उन्हें काम स्टार्ट किया और कितनी आपकी तरह यहाँ पे एक वो इदारा खोल के बैठी हुई हैं? अभी हम हमारे जो लड़कियाँ सारे थे वो सारा ख़त्म हो गया, सब ने छोड़ दिया, बस मैं एक अकेली रह गई हूँ। मैंने काम उन लोगों से मैंने शुरू किया है, उन लोगों के साथ ही मैं काम कर रहे थे। सेंटर को बंद होने नहीं दिया हमने, सेंटर को हमने चलाया 14 साल तक, मैंने खुद अकेले चलाया उनके सेंटर को मैंने। फिर एक लड़की है हमारी जो बड़ी है, औरत है, वो भी इस काम में बहुत शौक से करते, लेकिन वो अभी शुरुआत नहीं किया है, मशीनें उनके पास हैं। अभी मैंने सारा स्टार्ट करके रखा हुआ, मैंने काम कर। यहाँ पे आप कितनी लड़कियों को सिखा रही हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी तादाद है यहाँ पे लड़कियों की? मेरे पास क्योंकि ये फंड की वजह से, कमी की वजह से मैं ज़्यादा लोगों को काम नहीं सिखा रही हूँ, बस थोड़ा सा है मेरे पास, मैं उन लोगों को कह रही हूँ। फीस की वजह से वो लोग डर जाते हैं। फीस कितनी है यहाँ पे? फीस मैंने 1000 रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है, 1000 रखा है, क्योंकि धागा सारा, मशीनें सारा मेरा है, धागा मेरा है, धागा मैं उनसे नहीं लूँगी। अच्छा, 1000 रुपये में भी वो उनको ये लगता है कि ये बहुत महंगी है? महंगी है, मशीनरी आप दे रही हैं, धागा आप दे रही हैं और फिर भी उनको लगता है कि ये महंगा है? महंगा है, इसलिए वो लोग ज़्यादा इस काम में इतना दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि फीस उनको ज़्यादा हो जाती है। कितने मंथ का कोर्स होता है ये? आपकी आप पर डिपेंड करते हैं, जितना आप टाइम देंगे उतना आप जल्दी सीख जाएंगे। प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है? प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली ने आपको कैसे इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह होता है कि परमिशन नहीं मिलती है। पहले तो पढ़ाई भी नहीं होती थी बच्चियों की, अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है तो पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं और बाकी काम भी हो रहे हैं। तो आपकी फैमिली ने, हस्बैंड शादीशुदा हैं तो हस्बैंड ने कैसे परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे करें?
बस मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हर जगह पे जिस इदारे में मुझे शौक़ होता था, जिस इदारे में जाना है मैंने एक काम करना है, वो ना नहीं कहता था। अच्छा, अपने ये सारे शौक़ आपने शादी के बाद पूरे किए? शादी के बाद पूरे किए हैं मैंने। मैं स्वेटर भी बुनता हूँ, मैं कपड़े भी मशीनें भी इस तरह भी करती हूँ, मैं मशीनें भी कपड़े भी सिलवाती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन मेरे मियाँ का बहुत इस पर एहसान है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, 4 हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। उनको भी इसी फील्ड में लाना है, उनको भी सिखाना है कपड़े कैसे बनाया जाता है। बस सोच तो ये रहे ले, बच्चे को तो शौक है। वो ज़ाहिर है आपको शौक है तो बच्चे को भी ज़रूर शौक होगा। और मुझे बताएं कि यहाँ पे जो और फीमेल्स आती हैं कितना टाइम में जल्दी सीख जाती हैं, लाइक लोगों का रुझान कितना है इस फील्ड में? इस फील्ड में लोग आएंगे तो सीख जाएंगे, तो मैं 1 महीने में सीख जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो डर नहीं लगता है कि आप अगर लोगों को सिखाएंगे और फिर वो आगे जाके अपना वो इदारा ओपन कर लेंगे या अपनी जगह पे खोल लेंगे? डर नहीं लगता है, मुझे खुशी होता है। वो लोग काम करें तो अच्छा है ना, मैं उनको इसलिए सिखाती हूँ ताकि वो लोग बाहर निकल के काम करें, घर में ना बैठे। घर में तो हम लोग रोज़ पकाते रोज़ खाते, उसका ये मसला नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है, मेरा मतलब है, मेरा मकसद यही है, मैं लड़कियों को औरतों को बाहर निकाल के ताकि उन वो लोग काम करें तो अपने मियाँ की कुछ मदद करें, अपने बच्चों के लिए कुछ वो लोग मदद करें, कुछ आगे निकल जाए, बस इसलिए मैं कहती हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरीज थी जो कि मैं कवर करना चाह रही थी, बट यही होता है कि कोई कैमरा में बात नहीं करता है, वो फेस मतलब सामने नहीं लाते हैं कि नहीं हमें घर से परमिशन नहीं है। आपको कैसे परमिशन मिल गई इंटरव्यू की? नहीं, मैंने कहा ना, मैं ये मेरा मियाँ का बहुत एहसान है मुझ पर, मैं उस पर फ़ख्र करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ में वो मेरा साथ देता है। वो ये नहीं कहते हैं, मुझे अपने पे नाज़ है, क्योंकि मुझे पता है उसका ईमान का, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ, इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ आज। अच्छा, यहाँ पे आप क्या क्या बनाते हैं कपड़े, लाइक किस किस्म के होते हैं और क्या क्या? कपड़े भी बनते हैं, शॉल भी बनते हैं, यहाँ पे मफलर बनते हैं, कुशन बनता है, कार बनता है, हमारे ज़बान में उसको कार कहते हैं, वूल का बनता है, वूल का बनता है। बात करें ये ज़रा मैं उठाती हूँ खुद ही, इसकी बात करें तो ये क्या चीज़ है? ये शॉल है, ये ऊन का बना हुआ शॉल है, खड्डी पे बनाया हमने, लड़कियों को सिखाया था, उन लड़कियों ने बनाया है। अच्छा, हाँ सीखी उन्होंने, लड़कियों ने बनाया, हाँ लड़कियों ने बनाया, जो सीखने के सिखाया। अच्छा, इस पर कितनी कॉस्ट आई है आपकी, लाइक कितना खर्चा हुआ है आपका? खर्चा इसका 1500 हमारा एक शॉल पर खर्चा हो जाता है। अगर एक शॉल हम सेल करना चाहें तो सेल कितने में करेंगे आप? सेल अभी हम कर रहे हैं 1500 इसका हो रहे हैं, तो हमारा ये सब मिला के मेहनत मिला के हम 2500 का दे रहे हैं। रीज़नेबल है, बहुत रीज़नेबल, 1500 और 1000 रुपये आप सिर्फ मेहनत लेंगे बस उसका, क्योंकि इतना वो नहीं है यहाँ पे लेने वाला, इतना महंगा नहीं लेंगे, क्योंकि ये उन्हीं का है, ये हाथ पे बना हुआ है, इतना वो नहीं है। इसको इंशाल्लाह मैं आगे लेके जाऊँगी ताकि लोग देखें ये स्कर्टों में भी लड़कियां इस तरह के काम करते हैं, ये किस तरह बनता है, इसलिए मैं कहूँ। आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टर आना चाहिए जो कि इस लाइक आपकी अगर एक ये एक शॉप में अभी ये सारा सिस्टम ओपन करके बैठी हुई हैं, अगर आपको एक प्रॉपर फैक्ट्री दे दी जाए जहाँ पे 50-60 लोग काम कर रहे हों तो कितना ये ट्रेंड पर जाएगा? क्योंकि ये चीज़ लाहौर में बहुत ज़्यादा इन है और हाथ से बनी हुई चीज़ के तो हम वैसे ही सारे फ़ैन होते हैं। तो आपको लगता है कि अगर कोई इस तरह आपको कोई ऑफ़र करता है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ और आप लड़कियों को पहले उनको तैयारी करवाएं इस चीज़ की, सिखाएं और फिर करें, तो आप करेंगे? करेंगे, मैं वो करूँगा, ज़रूर करेंगे। ज़रूर, अगर कोई इन्वेस्टर सुन रहा है तो ज़रूर इनकी हेल्प करें, इनको लाइक यही होता है ना कि एक सर पे हाथ रखने वाला चाहिए होता है। अभी मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इतना वसाइल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं इसका किराया भी मैं खुद देती हूँ। इस एक शॉप का किराया कितना है? कितना? 5500 है इसका, ये सारा मैं खुद देती हूँ, मशीनों पे जहाँ खर्चा हो वो भी मैं खुद करता हूँ, क्योंकि अभी ये लड़कियाँ मेरे साथ जो काम करेंगी वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए, वो खुद ये सारा काम एक खुद कर सकते हैं, वो तैयार हो के फिर उनको मैं पैसे भी दूँगी, ताकि एक शॉल पे इस तरह का उनको हिसाब करके पैसे दूँगी इस तरह भी। हम अगर वो बनाती है तो आप उसको कितने पैसे लगे? अगर कोई लड़की को मंथली सैलरी पे रखती है तो कितनी सैलरी होगी? एक शॉल पे हमारा यहाँ पे वो हम 300 से स्टार्ट करते हैं।
300 से हम स्टार्ट करेंगे एक शॉल पे। और अगर एक शॉल बनाने में टाइम कितना लगता है? एक शॉल में आप मेहनत करके बनाएंगे तो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बन जाए तो एक शॉल बन जाता है। अच्छा, एक दिन में आप इतनी इजीली एक शॉल बना सकते हैं? बना सकते हैं। और अगर एक सूट बनाना हो वूल का तो बनाएंगे तो 2 दिन हो जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त हो गया। अभी जो पीछे काम हो रहा है, ये जो धागा इसमें यूज़ हो रहा है, क्या ये भी आपने खुद बनाया है? नहीं, ये तो लाहौर से आए हैं। अच्छा। ये ऊन का है, ये तो कहीं ना कहीं लाहौर हेल्प कर रहा है। लाहौर से पिंडी से गिलगित से ही आता है ये, यहाँ वहाँ से ही आते हैं हम लोग, वहाँ से मंगवाते हैं। हम थोड़ा आपके वर्कर से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछते हैं कि उनको आप अच्छा सिखाती हैं या नहीं सिखाती। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अर्जेंट कॉल की मैंने इनको और ये घर से स्पेशली हमारे लिए आ गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दिल के अच्छे तो हैं ही हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, आज मैंने देख भी लिया। शुक्रिया आप लोगों का भी। आप लोग कोई मसला नहीं है, आप लोग जब भी चाहे हम आ सकते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए ज़ैनब से बात करते हैं, ये भी यहाँ पे काम भी करती हैं और सीख भी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे सीखते हुए? मैक्सिमम 2 मंथ्स। 2 मंथ तो कितना कुछ सीख लिया आपने। मेरा सूट बना देंगी आप? जी, मैंने जितना सीखा है उसी में आपका सूट बन जाए तो इंशाल्लाह बना दूंगी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप ये डांटी तो नहीं है सिखाते टाइम? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, इनकी तरह उस्तानी हो तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। आपका भी कोई प्लान है यहाँ पे कि इस तरह आप भी एक इदारा ओपन करेंगी और वहाँ पे लड़कियों को सिखाएंगी? क्योंकि मैं भी सीखना चाह रही हूँ तो फिर मैं आपसे सीखना चाहूँगी। जी, अभी तो मैं स्टडी के साथ सेकेंड टाइम पे यहाँ पे आती हूँ सीखने के लिए, तो इंशाल्लाह बाद में टाइम मिले तो ज़रूर खोलूँगी, शौक़ है तो। अच्छा, क्या क्या चीज़ बना लेती हैं आप? कौन कौन सी चीज़ सीख ली है अभी, थोड़ी बहुत बताएं। अभी तो मैं शॉल का सीख रही हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह पेपर्स के बाद दूसरी चीज़ों का भी सीख लूँगी। कौन सी क्लास में आप? मैट्रिक। मैट्रिक कर रहे हैं, वाह ज़बरदस्त। पेपर्स कैसे होने हैं, तैयारी कैसी है पेपर्स की? अच्छी है, रिवीजन सारे हो गए तो अच्छी तैयारी है। अच्छा, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आप क्या कहेंगी अपने स्कर्दू के बारे में? हाँ, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्कर्दू में इस तरह चीज़ों की फील्ड्स नहीं हैं, तो जितना हो सके अपनी मदद आपके तहत लोग खुद से काम करना चाहिए, लोगों को खुद से काम करना चाहिए। कढ़ाई बुनाई यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते, तो उनको जितना हो सके टाइम निकाल कर उनको करना चाहिए। और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ इस तरह एक्टिविटीज़ में भी काम करें। तो अच्छा, आपने बड़े होकर क्या बनना है? इंशाल्लाह अगर अल्लाह साथ दे तो आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर के अलावा यहाँ पर मैंने नहीं देखा कि कुछ बनना चाहे, डॉक्टर ज़रूर बनना है जी इंशाल्लाह। सीख ये रही हैं और बनना डॉक्टर है, आपको नहीं लगता कि इस चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हैं? जी वो तो जा सकती हैं, लेकिन बचपन से जो शौक़ होता है उसी में हम आगे जाने की कोशिश करें। शौक़ है या पेरेंट्स ने कहा है? आर्मी डॉक्टर का मेरा अब तक बचपन से शौक़ है लेकिन इसका भी अभी आगे पहुँच के शौक है। चलो सही है। अच्छा, मेरी ये दुआ है कि आपका शौक़ इधर ज़्यादा हो जाए। क्योंकि कितने लोग यहाँ के जिससे पूछो वही यही कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने टीचर बनना है। कितने लोग डॉक्टर्स बनोगे यार और कितने टीचर्स बनोगे? कुछ और बनो, अपने इसके लिए करो, अपने स्कर्दू के लिए, अपने स्कर्दू के कल्चर के लिए कुछ करो। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त चाहें हम जी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए मुकाम पर एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।